हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम निकले हैं दमन जाने के लिए, वो भी हमारी कार से। आजकल हम सब सोचने लगे हैं कि डेस्टिनेशन ही नहीं पर रोड ट्रिप भी अच्छी होनी चाहिए, और अगर उस रोड ट्रिप पर अच्छा खाना मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलो देखते हैं हमने इस रोड ट्रिप पे क्या क्या ट्राई किया। हम लोग अभी निकले हैं बड़ौदा से दमन की तरफ घूमने के लिए। ऐसे ही तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे NH 48 से, और कड़ोदरा से 15 मिनट की दूरी पे एक होटल पे रुके हैं चाय पीने के लिए, जिसका नाम है श्री शिव शक्ति होटल। यहाँ की चाय सच में बहुत ही सही है, सही से उसमें मीठापन है, अदरक वाली मसालेदार चाय है ये, और सच में आपने भी कभी ट्राई करनी चाहिए अगर आप कभी NH 48 से ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलो अब निकलते हैं और मिलते हैं नाश्ते पे। तो अब हम आए हैं चाय पीने के बाद ब्रंच के लिए शुगर एंड स्पाइस, जो NH 48 पे ही है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बार आ चुकी हूँ, और मैंने लजानिया ट्राई किया था जो बहुत ही अच्छा है, तो आज वही मैं वापस से खाने जा रही हूँ और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं लजानिया खाने। मैं आपको बताना चाहूँगी लज़ानिया का एक फ़न फैक्ट कि ये पास्ता का ही एक टाइप है। इसकी शीट्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। चीज़ का लेयर सही से गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छे से बेक किया है। यहाँ पे शीट्स काफ़ी पतली और मुलायम महसूस हो रही है। इसमें कॉर्न, कैप्सिकम, बेजिल जैसे वेजिटेबल्स है, और परफेक्ट लेयर बनाया है वेजिटेबल्स, पास्ता सॉस एंड चीज़ का। ऐसी 3 लेयर का ये लज़ानिया हमें सर्व हो रहा है। इट्स वाव, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। और मैं बोलूँगी कि आप अगर नेशनल हाईवे 48 पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये इनकी मस्ट ट्राई लिस्ट में भी है। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं वेज ग्रिल सैंडविच। ब्रेड में काफ़ी अच्छे से क्रिस्पीनेस है, वेजिटेबल्स का रेशियो ब्रेड के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा वेजिटेबल्स ना ज़्यादा ब्रेड, बिल्कुल बैलेंस सैंडविच लग रहा है ये, जैसे कि हम अमेरिका में ही खा रहे हो। तो हम इसको हमारी नेक्स्ट विजिट की ऑर्डर लिस्ट में भी ऐड करना चाहेंगे। अब बारी आती है उत्तपम की। ये टेस्टी है, इसका सांभर बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, तो बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें वाओ फैक्टर जैसा तो कुछ भी नहीं है, पर इसने हमें बिल्कुल निराश भी नहीं किया है। तो चलो अब निकलते हैं दमन घूमने के लिए, और दमन घूमना है तो मिलते हैं हमारे दूसरे चैनल ट्रैवल आई पे।